ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग बात करेंगे ब्यूटीफुल से हैंगिंग प्लांट्स के बारे में जिन्हें हम कटिंग से लगा सकते हैं ये जो मानसून इस समय आ चुका है ये बहुत ही बढ़िया समय है कटिंग से प्लांट्स को लगाने का इसलिए आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में दस प्लांट जिन्हें आप कटिंग से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत एक हैंगिंग गार्डन तैयार कर सकते हैं इस लिस्ट में जो हमारा पहला प्लांट है वो है ये जेड प्लांट इसे क्रासुला भी कहते हैं इसकी छोटी सी छोटी भी कटिंग लग जाती है आप इसको कहीं से भी काट कर थोड़ा सा मिट्टी में लगा दीजिए बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है और देखिए हैंगिंग बास्केट में लगी हुई कितनी खूबसूरत लगती है इसकी जो लीप्स का शेप है बहुत सुंदर लगता है अभी मैं दिखाऊंगी आपको एक बहुत छोटी सी ब्रांच इसकी टूट गई थी ये देखिए इसमें दो से तीन लीव्स ही थी और अब ये इसने जड़ पकड़ ली है ये देखिए इस तरीके से इसने जड़ पकड़नी शुरू कर दी देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है और इसके बाद जो हमारी लिस्ट में दूसरा प्लांट है वो है ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है आप इसकी कटिंग यहाँ से निकाल कर इसके जो सूट्स निकले हैं बेबी प्लांट्स यहाँ से निकाल कर आप इस मौसम में इसे लगा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ये देखिए इसकी दूसरी वैरायटी है इसमें साइड से भी पब्स निकलते हैं आप चाहें तो इन्हें वहाँ से आप कर सकते हैं अलग इसके बाद जो हमारा है वो है ये ख़ूबसूरत सा मनी प्लांट मनी प्लांट बहुत ढेरों वैरायटी में अवेलेबल है पर ये देखिए आप इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं किसी भी नोड एरिया से आप इसे कट कर लीजिए और इसे चाहे तो आप पहले पानी में फिर मिट्टी में या फिर आप डायरेक्टली इसे मिट्टी में लगा सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट और बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में इसके बाद देखिए ये है स्वीट पोटेटो वाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा कलर है इसका आप इसे भी नोड एरिया से कट करके लगा सकते हैं बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और इसकी जब ये हैंग होता है इसकी ब्रांचेस बहुत ही कलरफुल आपके जो हैंगिंग गार्डन है उसको ये बना देगी देखिए इसकी लीव्स का कलर बहुत ही खूबसूरत है इसके बाद ये देखिए ये है टर्टल वाइन इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं आप किसी भी नोड एरिया से इसे कट कर लीजिए और लगा दीजिए बस ये इतनी आसानी से ग्रो हो जाता है कि इसको अगर आप कभी कभी पानी देना हफ्तों भी भूल जाएंगे तब भी ये ग्रो करेगा इसे आप वॉल कवर की तरह भी यूज कर सकते हैं देखिए ये इसने मेरी पूरी वॉल को कवर कर लिया है आप इसे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट इसके बाद जो हमारी लिस्ट में है वो है ये बोविलियन ज्यू कुछ कुछ देखने में ये टटल वाइन जैसे ही दिखता है पर इसकी लीव्स का साइज़ और स्टेम का कलर थोड़ा चेंज होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी हैंगिंग बास्केट में देखिए कितना सुंदर है ये इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इन सभी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा खाद पानी की नीड नहीं होती है बहुत ही कम एफर्ट में ये तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्लांट वो है ये जबरा वाइन बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए इसकी जो शाइनी लीव्स हैं बहुत खूबसूरत है कटिंग से देखिए इस जो ये वाला मेरा पॉट है इसमें मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं और ये बहुत जल्दी से ग्रो हो गई हैं इस तरीके से आप इन्हें लगा दीजिए ये भी लंबी लंबी बहुत खूबसूरती से हैंग होती हैं इसके बाद आप लगाइए ये सिंगोनियम का प्लांट इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं इसे भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगाइए बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत तरीके का ये बहुत वैरायटी में अवेलेबल है मार्केट में देखिए ये पिंक वाला है पूरा ग्रीन वाला भी आता है इसे भी आप नोड एरिया से कट कर लीजिए और लगा दीजिए बस आप चाहें तो पानी में लगाइए या फिर डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो जाता है ये प्लांट इसके बाद आपको दिखाती हूँ बोस्टन फर्न का प्लांट ये देखिए ये कटिंग से नहीं ग्रो होता है पर इसमें साइड से सूट्स निकलते हैं आप वहाँ से सिक की कटिंग के जैसा ही रहता है बस आप हल्का सा निकाल लीजिए और निकाल कर कहीं भी लगा दीजिए हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट इसके बाद आपको दिखाती हूँ पर्पल हार्ट वाइन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है पर्पल कलर का प्लांट है हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है आप इसको कटिंग से लगा लीजिए और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर भी आते हैं पर्पल कलर के इसके बाद एक लास्ट प्लांट है जो आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा उसका नाम मुझे नहीं पता है पर वो भी कटिंग से बहुत ही खूबसूरती से ग्रो हो जाता है उम्मीद करती हूँ कि ये प्लांट आपको कहीं भी मिलेगा आप इसकी कटिंग से इसको ग्रो कर लीजिए और अपने घर में खूबसूरत सा हैंगिंग गार्डन जरूर तैयार कर लीजिए ये बारिश के मौसम में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और प्लांट आसानी से तैयार हो जाते हैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय